Assalamu alaikum and very good morning to all my lovely students. Today I am going to teach you English Marigold, Class 1, Unit 6, Our Tree. So dear students, take out your Marigold textbook and open the page number 67, Unit 6, Our Tree. Okay students, so let's see this poem, Our Tree. Now students, I will read this poem first. Let's see the recitation of this poem. A little bird sees ripe fruit on our tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed falls. The rains have come. Hurry, let's run. Clouds, rain and sun. Our plant is born, a little one. Now a tree with a branches long. Crows and birds song. Crawling ants and spiders webs. Caterpillars with tiny legs. Rich green leaves, life aplenty. Now turn the page. The tree has fruit. Some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. Crows perch, squirrels run, and see the monkeys having fun. Strong branches with pretty swings. Our beautiful tree has so many things. So students, look this poem. This poem is written by Pranab and Smita Chakravarti. Okay, so let's see the explanation of this poem. So let's see the first stanza. A little bird sees ripe fruit on our tree. Now look at this little bird. So what this little bird sees? He sees the ripe fruit. So he sees the ripe fruit on the tree. And it's a tasty berry. So underline this word berry. What is the meaning of berry? Berry is a small juicy fruits. Now these little birds eat the berry fruit. And what happened then? The bird flies tall. Uske baad birds kya karta hai? Usne berry seed khaya aur phir wo fly karta hai sky mein. And a berry seed falls. Aur uske बीक में से क्या गिर जाता है? बेरी का सीड गिर जाता है. लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन सी द सीड इज फॉलिंग डाउन. सो जब बर्ड्स बेरी सीड को देखता है, बेरी फ्रूट को देखता है, तो वो बेरी फ्रूट ईट करता है और फिर वो जब फ्लाई करता है तो उसके मुँह में से बेरी सीड नीचे गिर जाता है. नाउ व्हाट हैपन, द रेन्स हैव कम, हर्री लेट्स रन. सो नाउ अब क्या होता है, अब बारिश जब आती है, अब बारिश होती है तो ये बच्चे बाहर आके देखते हैं कि चलो जाके देखते हैं क्या हुआ. क्लाउड्स रेन एंड सन. सो लुक एट दिस क्लाउड्स, द रेन इज देयर एंड द सन इज देयर. आवर प्लांट इज बॉर्न अ लिटल वन. और वो लोग क्या देखते हैं कि वो बेरी सीड जो गिरा था उसमें से अब क्या बन गया है, छोटा सा प्लांट हो गया है. लिटल यानी स्मॉल. अब यहाँ पर छोटा सा प्लांट हो गया है. तो वो कैसे प्लांट हुआ? बारिश हुई, रेन हुआ, और रेन के बाद क्लाउड्स रेन एंड सन, सब लाइट जरूरी है ना. ट्रीज़ को बड़े होने में क्या क्या चाहिए? सन लाइट, रेन, वाटर एंड ऑक्सीजन ऑल्सो. सो एयर इज ऑल्सो देयर. सो नाउ दे सी दिस प्लांट इज बॉर्न. अभी ये प्लांट छोटा सा निकल आया है. नाउ लेट्स सी द थर्ड पैराग्राफ. नाउ अ ट्री विथ ब्रांचिस लॉन्ग. नाउ दिस ट्री टर्न दिस ट्रीज ब्रांचिस बिकेम लॉन्ग. उसकी ब्रांचेस कैसी हो गई? अब बड़ी बड़ी लंबी लंबी हो गई है. क्रॉस एंड बर्ड सॉन्ग. सो द क्रॉस आर्स देयर. वहाँ पे बहुत सारे क्रॉस आते हैं और दूसरे बर्ड्स भी आते हैं. क्रावलिंग एंट्स एंड स्पाइडर्स वेब. द क्रावलिंग एंट्स, वहाँ पे चीटियाँ भी है और स्पाइडर्स का वेब्स, वेब यानी उसका जो जाला होता है ना मकड़ी का, वो भी वहाँ पे है. कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स. सो लुक एट दिस कैटरपिलर हियर इन दिस पिक्चर. ये कैटरपिलर है और उसके लेग कैसे है? टाइनी टाइनी लेग्स है. सो कैटरपिलर भी वहाँ पे है. सो कैटरपिलर्स इज अ
यंग वन ऑफ अ बटरफ्लाई दैट इज कॉल्ड कैटरपिलर्स. सो ये कैटरपिलर्स है. नाउ रिच ग्रीन लीव्स लाइफ अ प्लेंटली. तो यहाँ पे जो ट्रीज के जो लीव्स है वो कैसे है, ग्रीन है, और वो कैसे है, इट्स लॉट ऑफ लीव्स, बहुत सारे लीव्स है इस ट्री के ऊपर. सो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ द ट्री, लुक एट दिस ट्री. हियर इन दिस पिक्चर यू कैन से द बर्ड्स आर देयर, द स्पाइडर्स वेव इज देयर, एंड द क्रावलिंग्स एंट्स आर देयर. लुक एट दिस पिक्चर, हियर इज द एंट आर देयर. ओके, सो यू कैन सी ऑल दिस आर ऑन द ट्री. आप सबको ट्री पे देख सकते हो ना. नाउ लुक हियर, व्हाट द अदर थिंग्स आर देयर ऑन द ट्री. द ट्री हैज़ फ्रूट. ट्री के ऊपर क्या है, फ्रूट्स भी है. सम बिग सम स्मॉल, लेट अस प्लक देम बट डू नॉट फॉल. सो व्हाट द पोएट सेज, द ट्री हैज़ फ्रूट्स एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. चलो जाके प्लक करते हैं, यानी उसको तोड़ते हैं, लेकिन क्या ध्यान रखना है, वी शुड नॉट फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री. पर लेकिन हमें ट्री पे से गिरना नहीं है. नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा, क्रॉस पर्च स्क्वेरल्स रन एंड सी द मंकीज हैविंग फन. सो दो इज सिटिंग वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री. Squirrel runs on the tree and the monkey is also having fun on the tree. So all are depend on the tree. Now let's see the last stanza. Strong branches with pretty swings. Our beautiful tree has so many things. So strong branches. So branches of the tree कैसी है, जो उसकी branch है, जो उसकी शाखा है, वो कैसी है, वो बहुत मजबूत है. विथ pretty swings, और उस पर एक बहुत सा ब्यूटीफुल सा सुंदर सा झूला लगा हुआ है. Our beautiful trees has so many things. So इस तरह से ये trees कैसी दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे things है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो also are happy on the tree. So students, so here this poem is written by Pranav and Smita Chakravarti. Now students, let's see the new words. Berry means a small juicy fruit. Caterpillars means young one of a butterfly. Nest, you get the nest is here. The rain means drop of water, and the tree, you can see this tree. Now clouds bring rain. The tree has branches. Now students, open the page number 69. Now let's see the exercise number 1. Circle the things you can find on a tree. So things are given with the name. So whatever you see on the tree, you can circle them. So I have circled here beehive. You can see the beehive on the tree. Crows, leaves, ants, and the kites. So you can see these things on the tree. Now let's see the exercise number 2. How does a seed grow? Look at the pictures below and number them in the correct order. So first, what we do, I dig the earth. So here the dig the earth. Then next is, second one is, I plant the seed. Third one, I water the plant. And last one, the plant grows. Now let's see the third exercise. Here we have to put right or wrong. If it is true, then we have to put right, and if it is wrong, then we have to put cross. So I like fruit. So you like it. So right here, I like flowers. Right, there is a tree near my house. Right, the tree has flowers. Wrong, the tree has fruits. Right, so like that you have to do in your Marigold textbook. Now see this exercise on the page number 72. Help the bird to reach its nest. So here from the bird start its way to reach its nest, like that the bird reach to its nest. So you can do the pencil work like this in your textbook. Now the student, last exercise is, put the right tick right on the right picture. So Murali ate banana or mango. So one day, so mango is there. He threw seed ke mango behind his house. Seed. Many months later, he saw seed ke plant. Plant. He watered seed. Plant every day. Plant every day. And the last one, many apple mangoes grew on the tree. So, mangoes is the right answer. So, like that, you have
टू पुट टिक ऑन द राइट आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, हियर आवर एक्सरसाइज इज फिनिश हियर. नाउ आवर लेसन इज ऑल्सो फिनिश हियर. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.